बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम शुरू कर रहे हैं जी नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सही है जी। तो वी डू बेसिकली दी एडिशन बाय टू मेथड्स, जो कि हम ईच डिस्कस करेंगे। इन दिस वन वी विल डिस्कस दी फर्स्ट मेथड। तो हेडिंग सबसे पहले मैं देता हूँ जी, दी एडिशन ऑफ वैक्टर्स। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स उस तरह से नहीं होती जिस तरह से सिंपल आपकी स्केलर एडिशन होती है। यानी अगर एक स्केलर नंबर है, 2+2 आप लिखते हैं तो सिंपली ये 4 आता है। अगर एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, 2 kg + 4 kg, तो ये 6 kg तो आता है। लेकिन अगर मैं 7 N + 3 N लिखता हूं तो ये जरूरी नहीं है कि 10 N आए। ठीक है, ये कुछ और भी आ सकता है। और ये क्यों आता है, किस तरह आता है, तो इसके लिए हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वी एड टू और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज द सेम एज प्रोड्यूस्ड बाय दोज नंबर ऑफ वेक्टर्स। यानी कि अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करके अगर एक रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो वो दो पिछले वेक्टर्स इंडिविजुअली प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप लिखना चाहे तो चले लिख ले, वी एड टू और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज द सेम एज प्रोड्यूस्ड बाय the what vectors by the as produced by all the vectors as produced by all the vectors being added। समझ आई जी? समझ आई। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मास है m, इसके ऊपर आप एक F1 फोर्स लगाते हैं, तो ये कुछ एक्सेलरेशन A1 कवर करता है। और अगर आप इसके ऊपर एक दूसरा फोर्स भी लगाते हैं F2, तो ये लेट से कुछ और इफेक्ट इसके ऊपर होता है, लेट से A2 होता है। किसी डायरेक्शन को आप इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं कोई इफेक्ट की वैसे को बात समझा रहा हूं। और अगर आप इसके ऊपर अब इसका सम लगाए, F1 प्लस F2 लगाए, तो उसकी जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो A1 प्लस A2 होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, डायरेक्शन में आप कंफ्यूज ना हो, ये आपको मैंने समझाने के लिए सिर्फ एरोहेड्स लगाए। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हम ऐड करते हैं दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स। अब वेक्टर एडिशन के हमारे पास दो रूल्स हैं, जिसमें नंबर वन हम आज स्टडी कर रहे हैं, ये एक ग्राफिकल मेथड है जी। दिस इज ए ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ये हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर थ्रू अ प्रॉपर स्केल करते हैं। यानी ग्राफ पेपर के ऊपर स्केल लेके हम मेजरमेंट्स करते हैं और प्रोटेक्टर लेके एंगल्स मेजर करते हैं। और जो दूसरा मेथड है वेक्टर एडिशन का, दैट इज एन एनालिटिकल मेथड। ये क्या होता है जी, ये एक मैथमेटिकल मेथड है जी, जिसमें कैलकुलेटर के जरिए यानी कैलकुलेशंस, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, ग्राफ आपके पास नहीं होता जी। ठीक है जी। द ग्राफिकल मेथड इज कैरिड आउट थ्रू हेड टू टेल रूल। दिस इज कैरिड आउट थ्रू दी हेड टू टेल रूल। और ये तो आपको आता है, लेकिन ये हम इस मेथड में आज की वीडियो में ये हम सीख रहे हैं। और जो एनालिटिकल मेथड है, दैट यूजेस द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो उसके बाद फिर वीडियो में हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन सीख लेंगे। आज का जो हमारे टॉपिक है, दैट इज द हेड टू टेल रूल। तो इसमें आप क्या करते हैं, टू एड टू और मोर वेक्टर्स, द वेक्टर, लेट से मैं दो की मिसाल मैं आपको देता हूं, दो की मदद से आपको समझाता हूं कि आप क्या करते हैं जी, द टेल ऑफ द सेकेंड इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट।
ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक. एंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो बनेगा इज ड्रॉन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द लास्ट. समझ आई? तो बिल्कुल आई, ये तो आपको ऑलरेडी पता है. फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है जी, एक वेक्टर है लेट से जीरो एंगल पर है जी, ठीक है जी, जीरो एंगल पर है. ये एक वेक्टर ए है एक्स वाई प्लेन में, और दूसरा वेक्टर है जी वो किसी पर्टिकुलर लेट से 45 डिग्रीज एंगल पर है, ये एक वेक्टर बी है. अब अगर आपको ए प्लस बी चाहिए है तो आप क्या करते हैं जी, ए प्लस बी, तो आप ड्रॉ करते हैं द फर्स्ट वेक्टर विद इट्स ओन एंगल, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर विद इट्स प्रॉपर एंगल एंड मैग्नीट्यूड, एंड द टेल ऑफ द सेकेंड इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट. तो इसका मतलब ओवर हियर यू विल प्लेस द टेल ऑफ बी विद द सेम एंगल दैट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड द एंगल दैट इट्स मेकिंग इज हाउ मच, फॉर इंस्टेंस व्हाट एवर इट इज थीटा 45 डिग्रीज. तो वही 45 डिग्रीज का एंगल आपने इधर बनाया, तो ये हो गया आपका बी वेक्टर, आपने यही पर प्लेस कर दिया. अब आप क्या करते हैं, इन दोनों का आपको रिजल्टेंट चाहिए है, सो द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. तो ये हो गए जी आपका रिजल्टेंट वेक्टर. समझ आई? समझ आई, बस ये सिंपल सी बात है जी, टेल ऑफ द फर्स्ट हेड ऑफ द लास्ट. दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, ए ए वेक्टर, बी वेक्टर वही एंगल जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, सी वेक्टर, डी वेक्टर, जो भी हो, द टेल ऑफ द सेकेंड इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट, द टेल ऑफ द थर्ड इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द सेकेंड, द टेल ऑफ द फोर्थ इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द थर्ड. जितने भी है इसी तरीके से करें, नेक्स्ट वाले का टेल पिछले वाले के हेड के ऊपर होगा, एंड द रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. और ये हो गया जी आपका रिजल्टेंट वेक्टर. अभी आप ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे, अच्छा, यानी कि इसका प्रॉपर मैग्नीट्यूड होगा, इसका प्रॉपर मैग्नीट्यूड और एंगल, या प्रॉपर एंगल भी आप डी से कैलकुलेट करेंगे जी, और ये प्रॉपर जो रिजल्टेंट का एंगल है ये भी प्रोटेक्टर से आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन is commutative. Commutative क्या होता है कि if you reverse the order of the operation, the result is the same. इसका मतलब if you have a plus b, now you reverse the order of the operation would be b plus a, तो इसका मतलब these two will give you the same resultant. For instance, ये आपके पास एक vector है जी a, ए वेक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल है. लेट से एक वेक्टर है जी बी, तो ये हो गया ए प्लस बी, बी सेकंड है ए फर्स्ट है, रिजल्टेंट आपका क्या हो गया जी, ये आपका हो गया जी रिजल्टेंट वेक्टर. अब अगर आपका बी फर्स्ट हो जाए, बी फर्स्ट, तो लेट से बी फर्स्ट हो गया, बी प्लस ए का मतलब बी फर्स्ट वेक्टर, और फिर प्लस ए का मतलब ए सेकंड वेक्टर. अब देखिए अगेन रिजल्टेंट वेक्टर है टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द लास्ट, क्या वही रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आता है जी? बिल्कुल आता है. इसको मैं इसी फिगर में ड्रॉ कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकता हूं. ये मैं बी को शो करता हूं, ये मैं ए को शो करता हूं, क्या ये वही रिजल्टेंट नहीं है जो पिछले वीडियो में है, पिछले एग्जांपल में, दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ मेरे ख्याल में. ठीक हो गया जी, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. और अगेन ये सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए नहीं, जितने भी वेक्टर्स हैं, आप चाहे ऑर्डर जो भी रखें, जो भी ऑर्डर रखें, फॉर इंस्टेंस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है जी, तो ये बराबर होगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए के, ये बराबर होगा ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी के, और यार जो ऑर्डर आपको चाहिए है,
it is irrespective of the order, vector addition will give you the same result. ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक. तो ये सिंपल मेथड है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं करते हैं जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. एक बात आपको बताता हूं जी, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स. तो देखिए, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स मैंने आपको कहा था कि हमेशा होगा बिटवीन व्हाट, बिटवीन टेल्स ऑफ द वेक्टर्स, बिटवीन टेल्स ऑफ वेक्टर्स. और दूसरा ये होगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, यानी कि फॉर इंस्टेंस ये एक वेक्टर है जो भी है, और ये दूसरा वेक्टर है. तो इन दोनों के दरमियान अब एंगल क्या होगा जी, तो ये वाला एंगल होगा विच इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम थीटा कहते हैं. अब ये एंगल भी तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल भी तो हो सकता है, लेकिन ये एंगल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हम थीटा द स्मॉलर एंगल लेते हैं, द इनर एंगल लेते हैं, द इफेक्टिव एंगल लेते हैं. ये जो एंगल है ये इफेक्टिव होता है. इफेक्टिव का मतलब आपको आगे जाके समझ आ जाएगा जी नेक्स्ट वीडियोस में. फिलहाल इतना ही कि हम जो एंगल लेते हैं बिटवीन द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स लेते हैं, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, जो कि ये छोटा वेक्टर होता है. अब ये रेंज इसकी कितनी हो सकती है, रेंज, तो रेंज इसकी हो सकती है जी, देखें दो वेक्टर्स कंप्लीटली एक दूसरे के साथ पैरेलल हो सकते हैं, जीरो डिग्रीज. ठीक हो गया जी, बिल्कुल जीरो डिग्रीज. फिर ये आ सकता है जी परपेंडिकुलर, फिर ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो ये कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए. पहली केस तो ये है जी. ठीक हो गया. फिर आप इसको बढ़ाता जाए जी, इस एंगल को आप बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, परपेंडिकुलर बढ़ाते जाए, 120 160 मैक्सिमम एंगल जो ये होगा ये 180 होगा, 180 डिग्रीज कंप्लीटली ये ऑपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, एक दूसरे के ये कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएंगे. समझ आई? बिल्कुल. तो ये आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गया. मैं देखता हूं अगर कुछ और है बताने को, तो इसमें और कुछ नहीं है जी बताने को. मेरे ख्याल में वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. ये आपको समझ आ गया होगा, ये तो आपको वैसे भी पता था जी, हेड टू टेल रूल, और ये एंगल के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया. इसके बाद मैंने आपको कहा था एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर होता है, कोई भी वेक्टर, तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक इसकी डायरेक्शन होती है. तो इधर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया है, रिजल्टेंट वेक्टर जो ये है, ये ग्राफिकली तो ठीक है हम मालूम कर लेंगे, लेकिन मैथमेटिकली अगर मैंने इसका जो है तो मैग्नीट्यूड मालूम करना हो रिजल्टेंट वेक्टर और इनटू द डायरेक्शन, तो मैं इसको रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर लिख दूंगा. ठीक है जी. तो ये भी मैं आपको इंडिविजुअली मालूम करना सिखाऊंगा. नेक्स्ट वीडियो में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, और फिर उसकी मदद से मैं आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी समझा दूंगा, और फिर उसके अगले वीडियो में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी आपको समझा दूंगा. ठीक है जी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अल्लाह हाफिज़.